उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जनपद में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान विकसित भारत की शपथ दिलाई गई। राज्य के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने लोगों को शपथ दिलाई। जल शक्ति मंत्री ने जिले में चल रहे ऑल इंडिया प्राइज मनी हॉकी प्रतियोगिता के फाइनल मैच में खिलाड़ियों को पुरस्कार भी वितरित किए। बलरामपुर जनपद के विकास खंड गैनसडी के ग्राम सभा बिलोहा बनकसिया में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर राज्य के जल शक्ति विभाग मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने अलग अलग विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने मौजूद बच्चों को अन्न प्राशन भी कराया। जल शक्ति मंत्री ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किया। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ जनता के बीच में होना चाहिए और जनता को मिलना चाहिए। जो केंद्र राज्य सरकार की योजना चलती है उसका लाभ गांव ले, अब उनके दरवाजे हम जाकर उनका प्रचार प्रसार भी, और सभी अधिकारी मजबूत रहते हैं, हेल्थ कैंप से लेकर सभी कैंप भी लगते हैं और जिसका सुविधा गाँव लोग, और दवा भी जन औषधि केंद्र और ये सबों के माध्यम से वहाँ पर जो 100 रुपये की दवा है वो 10-10 और 20-20 रुपये की दवा मिलती है। जल शक्ति मंत्री ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा से केंद्र एवं राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। जल शक्ति मंत्री ने MLK कॉलेज में ऑल इंडिया प्राइज मनी हॉकी प्रतियोगिता के खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरित करते हुए कहा कि केंद्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है, आज हमारे खिलाड़ी पदक जीत रहे हैं। सभी को यह है कि हॉकी की तरफ थोड़ा जाएं, नौकरी ज़्यादा है, अच्छा अपनी जो जितनी टीमें हैं ये डिपार्टमेंट की टीमें हैं, देखिए उनको देख के सीखे, अच्छे डिपार्टमेंट में जाए, भारत की तरफ से खेलें, अपने देश का प्रदेश का नाम रोशन करें। मैं तो यही कहूँगा जितने छोटे बच्चे हैं खेल रहे हैं और ज़ोर से खेलें और अपना पूरा दम लगा के खेलें, एक यही उम्मीद के साथ कि हमें भारत की तरफ से कुछ ना कुछ करना है। हॉकी प्रतियोगिता के फाइनल मैच में ITBP जालंधर द्वारा हॉकी अमरावती महाराष्ट्र को हराकर फाइनल मैच जीतने पर विजेता टीम को ट्रॉफी प्रदान किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट DD न्यूज़।